करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान फिर से चाल चल रहा है। कॉरिडोर को लेकर शुरुआत में उत्साह दिखाने वाला पाकिस्तान अब पीछे हटता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर का काम अटका दिया है। भारत के प्रस्तावों को नकारते हुए पाकिस्तान ने अपनी कई शर्तें और नियम तय कर लिए हैं। करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण लटकाने की कोशिश में है पाकिस्तान। रावी नदी पर पुल निर्माण से पाकिस्तान का इनकार, पैदल तीर्थ यात्रा पर कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने ऑल वेदर ब्रिज का काम लटकाया, तय वक्त पर कॉरिडोर का निर्माण अब मुश्किल। भारत का प्रस्ताव करतारपुर कॉरिडोर को पूरे साल खोला जाए, पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। रोज 5,000 श्रद्धालुओं की यात्रा के प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने सिर्फ 700 यात्रियों को इजाजत की बात कही। कॉरिडोर संचालन के लिए पाकिस्तान ने अपनी शर्तें और नियम तय किए हैं। कॉरिडोर के जरिए खालिस्तान समर्थित गतिविधियों की भारत की आशंका पर भी पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस सब के बावजूद भारत ने अपनी सीमा में करतारपुर कॉरिडोर का काम तेजी से पूरा किया है। भारत ने 4 लेन हाईवे स्ट्रेच का निर्माण तकरीबन पूरा कर लिया है, लेकिन शुरुआत में तेजी दिखाने वाला पाकिस्तान अब पैर पीछे खींच रहा है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ ऑल वेदर ब्रिज का काम लटका रखा है। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नवंबर की डेडलाइन रखी गई है। नवंबर में ही गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर आयोजन है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि 3 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 50% काम पूरा हो चुका है, लेकिन इतना काफी नहीं है। एक प्रकार से पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के राजनीति कर रहा है और भारत विरोधी गतिविधि में लगा हुआ है, क्योंकि उसका एक उद्देश्य यह भी है कि खालिस्तानियों खालिस्तान समर्थकों को कैसे फिर से पुनर्जीवन प्रदान करे। तो इस दृष्टि से भी भारत बहुत सतर्क होकर उस पर व्यवहार करे, यह जरूरी है। पाकिस्तान के मुकाबले में हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और हमारा मुल्क उनके बिलमुकाबल ताकतवर है। हम आतंकवाद को रोकने के लिए उनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं प्रधानमंत्री। भारत को चाहिए कि वो ठोस कदम उठाए और किसी के रहमो करम पर नहीं, ये हमारा अधिकार है। पाकिस्तान किसी प्रकार के लिए वहाँ ऑल वेदर पुल बनाने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है कि ये हिंदुस्तान की फौज जो है कल उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती है। एक तरफ से तो पाकिस्तान कहता है हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, हम हर प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं, और दूसरी प्रकार से बहाने बना रहा है किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए। कारगिल विजय के 20 साल पूरा होने पर ग्वालियर में एयरफोर्स ने अपना दमखम दिखाया। एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुर में एयरफोर्स ने आसमान पर अपनी ताकत दिखाई और इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ भी शामिल हुए। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि बालाकोट में हमने अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया। कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। ग्वालियर में वायुसेना के मिराज 2000 और अन्य विमानों का एयर शो। आज करगिल विजय के जश्न में वायुसेना प्रमुख बीरेंद्र सिंह धनोआ शामिल हुए। 1999 में भारत ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए पाक को सबक सिखाया था। करगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल से पाकिस्तान भारत पर वार कर रहा था। 24 जून को वायुसेना के मोर्चा संभालने के बाद टाइगर हिल पर भारत को बढ़त मिली थी। भारतीय वायुसेना करगिल युद्ध में विजय के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। आज वायुसेना ने ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में एक बार फिर से 24 जून 1999 को टाइगर हिल पर पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हुए अटैक के सीन को रिक्रिएट किया। यही वो मौका था जब भारत ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। इस सीन के रिक्रिएशन के मौके पर वायुसेना चीफ बीएस धनोआ भी मौजूद थे। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर हुई इस जंग में भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। हमारे जो रिकॉनसेंस एसेट्स हैं, जैसे कारगिल के टाइम थे और उससे पहले थे और अभी जो हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। सबसे बड़ा अंतर ये हुआ है कि उस टाइम जितने हमारे रिकॉनसेंस एसेट्स थे, जैगुआर के ऊपर लॉरॉप था, ये सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी प्लेटफॉर्म थे, वो सारे फिल्म बेस्ड थे। तो फिल्म बेस्ड में क्या होता था कि आप हवाई जहाज लैंड करेगा, उसके बाद वो फिल्म आएगी, फिर उसको डेवलप करेंगे, फिर उसके हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कहाँ पे है, और एनोटेशन उसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह का वो काफी एक्यूरेट नहीं था। नाउ ऑल दैट इज बिहाइंड अस, वी आर नाउ इनटू डिजिटल टेक्नोलॉजी। यूएवी में डिजिटल टेक्नोलॉजी है, रियल टाइम मिल रहा है आपको,